हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एसीलोक, रेंटेक, जिनटेक या रेनिटिडिन कंटेंट के बारे में। रेनिटिडिन ड्रग्स इंट्रोडक्शंस। रेनिटिडिन बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स कोल्ड हिस्टामिन D2 ब्लॉकर। इट वर्क बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टोमक प्रोड्यूस। जो रेनिटिडिन ड्रग्स हैं उसको हम हिस्टामिन टू ब्लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। इट वर्क बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टोमक, या आपके स्टोमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड की मात्रा को कम करने का काम करती हैं। रेनिटिडिन हैज़ बीन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट अल्सर इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। रेनिटिडिन जो ड्रग्स होती हैं वो आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन में होने वाले अल्सर को ठीक करती है या उससे होने से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में। गेट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इफ़ यू हैव साइन ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू रेनिटिडिन। अगर रेनिटिडिन इंजेक्शन से आपको इस तरह के अगर एलर्जिक रिएक्शन होती हैं तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये कौन कौन सी हैं एलर्जिक रिएक्शन? हाइव्स, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, स्वेलिंग ऑफ योर फेस, लिप्स, टंग और थ्रोट। अगर आपके फेस, लिप्स, टंग्स और थ्रोट पे स्वेलिंग है या सूजन है तब आपको इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत लेनी चाहिए। स्टॉप यूजिंग दिस मेडिसिन एंड कॉल योर डॉक्टर एट वंस इफ़ यू हैव। अगर आपको इस तरह मेडिसिन लेने के बाद में इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? जैसे स्टमक पेन, पेट में दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, डार्क यूरिन, जॉन्डिस यानी पीलिया अगर हो गया है, आपकी स्किन और आईज जो है वो येलोइंग हो जाती हैं जॉन्डिस में तो वो आपको डिटेक्ट करना है, फीवर, चिल्स, कफ विथ म्यूकस, अगर म्यूकस के साथ में कफिंग हो रही है तो उसको आप नोटिस करना है, चेस्ट पेन, फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, फास्ट और स्लो हार्ट रेट, ईजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग और प्रॉब्लम विथ योर स्किन और हेयर। ये सारी अगर आपको समस्याएं हैं तो आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी और हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आपकी ड्रग्स लेने के बाद में जो सीवियरिटी पैदा हुई है उससे आपको आसानी मिले। या फिर अब बात करते हैं रेनिटिडिन के डोजेस की जो अवेलेबल है मार्केट में। एडल्ट एंड पीडियाट्रिक डोज इंजेक्शन सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है जो 25 mg पर ml के रूप में आता है, मतलब ये 2 ml जो एम्प्यूल होता है उस फॉर्म में भी आता है और वाइल फॉर्म में भी आता है। सिर्फ 15 mg पर ml की इसमें डोज होती है और टेबलेट में ये 75 mg, 150 mg और 300 mg तक टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। स्टोरेज इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही रखा जाता है जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब बात करते हैं रेनिटिडिन के यूजेस की या इंडिकेशंस की। तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज जो होती है जिसमें एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है या प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए रेनिटिडिन ड्रग्स को देते हैं। अगर कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है जैसे उसमें टेंडरनेस, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन मींस डिस्पेप्सिया, हर्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ लूज मोशंस एटसेट्रा, ये सारी अगर प्रॉब्लम है तब भी हम रेनिटिडिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ड्रग्स डोज की बात करते हैं। द डोज ऑफ दिस मेडिसिन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट एंड डिजीज कंडीशंस। यह इसकी डोज जो होती है अलग अलग डिजीज में अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज देते हैं। एडल्ट डोज यह टेबलेट फॉर्म में 150 mg एवरी 12 आवरली, मतलब 24 आवर में इसको 150 mg की जो टेबलेट है वो दो बार ले सकते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है जो 25 mg पर ml के अकॉर्डिंग आती है, मतलब अगर एम्पुल इसका 2 ml का आता है तो 25 × 2 मीन्स 50 mg को TDS दे सकते हैं।
Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Keep supporting. Thank you.